तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आ गए आज हम फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम आए हैं पहाड़ गांव। दोस्तों यहां पे एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो के शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, आने वाला है, कोई भी पार्ट सब मिस मत कीजिएगा। तो आज दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ गांव का बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इसी पहाड़ गांव में है वो पर्यटक स्थल। तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं वो पर्यटक स्थल। और इतना दोस्तों एक वहाँ पे सुंदर जगह है जो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के बीच में ही, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और चलिए आगे मिलते हैं आपके साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. फाइनली हम पहुंच चुके हैं पोखरी। दोस्तों पोखरी का इतना प्रसिद्ध जगह हो चुका है ये 2 साल के अंदर में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा इसका जो पार्किंग का, यहाँ से एंट्री होता है दोस्तों, और जस्ट मेरे पीछे पार्किंग लगा हुआ पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया और जस्ट सामने इसका बैरियर है दोस्तों। यहाँ पे कुछ शुल्क लगता है, अभी पर्यटक स्थल हो गया तो इसमें शुल्क लगता है। आप मेरे तरफ आके देख सकते हैं बोर्ड में, यहाँ पे दोस्तों हर आदमी का 10 रुपया और 2 पहिया वाहन का 5 रुपया और 4 पहिया वाहन का 10 रुपये। तो दोस्तों आप जस्ट मेरे सामने से देख सकते हैं, यहाँ से वो सामने व्यू, वो व्यू वही है पोखरी। पोखरी दोस्तों इतना अच्छा व्यू वहाँ का है दोस्तों। वहाँ पे पर्यटक स्थल भरे हुए हैं, आज यहाँ पे टिकट काटने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बंद है आज ये वाला, नहीं तो हमको भी आज पैसा देना पड़ता है यहाँ पे 30 रुपये। तो दोस्तों 30 रुपये अपना बच गया। तो चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं वहाँ का जो झील है, जो पानी है और जो पर्यटक स्थल है वहाँ का, इतना अच्छा लोकेशन है। चलिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। बस कुछ ही सामने आ गई है, थोड़ा आगे ही है, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप ये लोकेशन देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है ये, और इसका एक चारों तरफ का एक राउंड ले लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये रास्ता है, और इधर बहुत से लोग पर्यटक लोग आए हुए घूमने के लिए, और इतना अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। सामने पहाड़ वादी, आप ठंड में या सनसाइट में या मॉर्निंग में दोस्तों आएंगे तो इतना अच्छा आपको लोकेशन मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे गांव के लोग भी रहते हैं, और इतना अच्छा ये पानी का जो आपको झील दिख रहा है, इसी की वजह से पर्यटक स्थल बन चुका है। और यहाँ पे अभी आने का चार्ज भी लगता है, पहले तो दोस्तों फ्री था, आप उस टाइम भी जाके बैठ सकते हैं। देखिए उस साइड में बैठने का जगह है। तो दोस्तों कुछ चित्र बना हुआ है बंदर का आकृति, और आप देख सकते हैं यहाँ का गवर्नमेंट द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। और दोस्तों यहीं के जंगल के लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग जंगल के सूखे लकड़ियों को अपने घरेलू यूज के लिए ले जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों पेड़ का कटाई भी चल रहा है इधर पे, और ऊपर में अच्छा भी कुछ बना। पानी यहाँ का जो कलर देख सकते हैं पानी का, आप पूरा पहाड़ की वजह से पूरा हरा दिख रहा है, और इतना अच्छा लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, अपने सेल्फी ले रहे हैं। और ये फाइनली दोस्त जो व्यू देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आने का रास्ता आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा अंबिकापुर से MG रोड NH 43 में, सीधा आपको आना पड़ेगा 10 से 15 किलोमीटर सीधा सिलफली तक। सिलफली के पास से दोस्तों लेफ्ट तरफ रास्ता कटा हुआ है जो कि पर्यटक स्थल का बोर्ड लगा हुआ आपको दिख जाएगा। पहाड़ गांव का एड्रेस पूछना पड़ेगा आपको, और वहां से सीधा आपको 4 से 5 किलोमीटर आगे आने के बाद ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों एक बार अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर विजिट करें और यहाँ का आनंद लें। और वीडियो में बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। करते हैं समाप्त, और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों। क्या है, ये छोटा सा जगह है लेकिन घूमने के लिए एक नंबर जगह है दोस्तों। आप आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत से पर्यटक दिन में कम से कम हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और जस्ट मेरे पीछे झील है, आप भी आइए दोस्तों एक बार विजिट कीजिए फैमिली के साथ, एक बार घूमिए फिरिए और यहाँ का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों इसके साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए टाटा बाय बाय।